बेसन ना हो, आटा ना हो और बारिश का मौसम हो तो ऐसी क्या चीज बनाई जाए, वो आज तरीका लेके आई हूँ मैं केवल हरे धनिये से। और इतने ज्यादा टेस्ट की बच्चे मांग मांग के खाएंगे और साथ में इन्हें एक साल तक स्टोर भी कर सकते हो। कैसे ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रेश धनिया लिया है, ये देखिए बिल्कुल ताजा ताजा धनिया लेना है ये रेसिपी बनाने के लिए। और इसे ऐसे कट कर लेना और अच्छे से वॉश करना है। और देखिए ज्यादा देर तक इसे पानी में नहीं रखना है, बस अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैंने तो साइज तो इसमें ऐसे कट नहीं किए कि हाँ अच्छे से कट किए हैं छोटे छोटे, बस कैसे भी कट कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सी का जार और इसमें ये जो धनिया की पत्तियां हैं वो सारी की सारी इसमें डालेंगे। आप ये एक बार ये रेसिपी को टेस्ट कर लोगे ना तो आप ऐसे कहोगे डेली आप ये बनाओगे और बहुत इजी भी है इसे बनाना। अभी यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक टमाटर इसमें, और अगर आपकी स्पाइसी हो हरी मिर्च तो आपको एक ऐड करना है, अगर तीखी ना हो तो आप दो ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर कट करके दो हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ इस पेस्ट में, और इस पेस्ट को एक बार ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए जो अपन ने पेस्ट है वो मैंने ग्राइंड कर लिया है, पानी वगैरह ऐड नहीं करना, धनिया का ही पानी हो जाएगा और जो टमाटर ऐड किया है उससे। अब ये सारा पेस्ट इसमें डालेंगे और एक चम्मच इसमें डालेंगे कॉर्न स्टार्च। ये कॉर्न स्टार्च क्यों डाल रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। और कॉर्न स्टार्च अपन ने एक चम्मच ऐड किया है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं चावल का आटा, आपको कुछ भी ऐड नहीं करना, चावल का आटा ऐड करना है। तो ये गाढ़ी कंटेंसी का, हल्का सा गाढ़ी कंटेंसी का ना हो जाए। तीन चम्मच में इसमें चावल का आटा ऐड कर रही हूँ, हाफ चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। वैसे अपन ने ग्रीन चिल्ली ऐड की है तो बहुत लाइट ऐड करेंगे इसमें, बस हल्का सा कलर आ जाए। थोड़ी सी अपन हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। पहले इन सभी को मिक्स करेंगे, टर्मरिक पाउडर इन सभी को ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे इस पूरे घोल को। तो पानी की जरूरत पड़ेगी तो ही ऐड करेंगे। ये देखिए पेस्ट ऐसा बन गया और लम्स नहीं होने चाहिए, लम्स को फेंट लेना है इसमें अच्छे से। और कितना मतलब चावल का आटा थोड़ा क्या होता है, हल्का लाइट होता है, जैसे हैवी नहीं रहता है। और तो इसे मिक्स करना बहुत ही आसान है, देखिए मतलब मजा आ रहा है इसको मिक्स करने में। और इसके ये मेदू वड़े से भी टेस्टी इसकी चीज बनेगी। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा और बहुत सारे स्टेप है जो फॉलो करना पड़ेगा वो भी करेंगे। अब ये देखिए मैंने मिक्स कर लिए हैं, अपना ये घोल तैयार हो चुका है। अब अपन घर पे ही कॉर्न बनाएंगे तो देखिए एक पॉलीथीन लेंगे, थोड़ी टाइट वाली लेंगे, जो अपन पॉलीथीन यूज करते हैं ना जैसे सब्जी वगैरह लाते हैं वो वाली पॉलीथीन ही, थोड़ी ऐसे सिंपल सी हो, थोड़ी टाइट भी हो। इसका ऐसे घुमाकर कॉर्न बना लेंगे। मैं आपको ऐसे थोड़ा टेम्परेरी बता रही हूँ कॉर्न बनाना, और फिर यहाँ टेप लगा के इसको ऐसे कॉर्न बना लेना है। और जो चोंच रहे ना उसे इतना हाफ कट करना है, इतना अपन को छेद रखना है। जैसे मैं यहाँ पर ये पहले से कॉर्न बना रखी हूँ, अब सिंपल वाली तो टेप थी नहीं, मैं जोमेटो वाली टेप ही इसके लगाती हूँ। और जो अपना ये घोल है ना ये तैयार हुआ वो इसके अंदर डालेंगे। एक बार पहले मिक्स कर लेंगे, नमक वगैरह है, अब इस कच्चे को तो अपन टेस्ट कर नहीं सकते ये सारा घोल, इसलिए इसमें नमक वगैरह सब आपको अच्छे से डालना है। ये सारा घोल इसमें डाल लेंगे इस पॉलिथीन में, जैसे मैं ऐड कर रही हूँ। अब ज्यादा आगे तक कैसे लेके जाएंगे इसको वो तरीका भी बताऊंगी, अभी तो क्या है चम्मच छोटी है तो ये यहाँ तक ही पहुंच रहा है, ये यहाँ तक ही है ना, अभी से ऐसे आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन अभी इसमें से निकालेंगे नहीं, अब इतना ही छोड़ेंगे, ये आगे ना भाग बस इतना ही, और इसको पीछे से ऐसे घुमा लेंगे। एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेकर मैं इसमें तेल डाल रही हूँ, अब इस तेल को गर्म करेंगे। अब ये देखिए ऐसे करके और फिर इसको कट कर लेंगे, थोड़ा पास से कट करेंगे, ऐसे ऐसे कट करके सारे ऐसे थोड़ा दूर फिर इस साइड में। तेल आपका अच्छे से गर्म होगा तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी कुरकुरे से बनेंगे। इन्हें हल्का सा फ्राई होने देंगे। मैं आपको ये क्यों बता रही थी इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करना है, अगर आप चावल के आटे में कॉर्न स्टार्च ऐड नहीं करेंगे तो ये फूटेंगे, तेल में फूटने लग जाएंगे, फट जाएंगे और पूरे बिखर जाएंगे तेल में ही, इसलिए आपको कॉर्न स्टार्च डालना है। ये देखिए कॉर्न स्टार्च डालने से क्या है, ये बिल्कुल भी ना तो फूटे हैं ना बिखरे हैं तेल में, और अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। थोड़ा सा क्रिस्पी चाहो तो क्रिस्पी फ्राई कर सकते हो, और चाहो तो हल्का, थोड़ा ज्यादा करारा ना करना चाहो, थोड़ी देर बाद में खा रहे हो स्नैक्स तो बाद में भी खा सकते हो।
ये लीजिए, बारिश के टाइम में अपने तैयार हो चुके हैं कुरकुरे से स्नैक्स। एवा उनके मुंह के लगे बच्चों के तो वो डिमांड हमेशा आपके इन कुरकुरों के लिए करेंगे, ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी होते हैं। अब इन्हें मैं एक प्लेट में डाल लूंगी। ये देखिए हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी कुरकुरे, आवाज सुन सकते हो कितने क्रिस्पी बने हैं। और इस रेसिपी के सबसे खास बात बताऊं, सबसे सीक्रेट है कि आप इसे महीने भर तक भी स्टोर करके रख सकते हो, और बच्चों को जब भी खाने का मन हो कुरकुरे से स्नैक्स से तो आप ये बना के दे सकते हो। सुबह सुबह चाय के साथ भी बना के दे सकते हो, बहुत हल्के होते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी से होते हैं, हल्के से रहते हैं, क्योंकि चावल का आटा क्या होता है, हल्का सा होता है। और ये भी, और मैं टेस्ट करके बताती हूँ, ये स्पाइसी ग्रीन चटनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए ऐसी स्नैक्स नई नई रेसिपी लाने का मन करता है। तो लाइक तो कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, वो भी इस बारिश के मौसम में ऐसी ऐसी नई नई डिश बना के खाएंगे ना तो आपकी ही तारीफ करेंगे।